नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 16 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं, 97,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग अब तक ठीक हुए हैं। सबसे अधिक संक्रमित अमेरिका में है, जबकि इटली में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च को देश भर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया था। देश में संपूर्ण लॉकडाउन का आज 17वां दिन है। लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट लिखने तक आज अब तक राजस्थान में 26, गुजरात के वडोदरा में 21, मध्य प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 16, कर्नाटक में 10 और बिहार में 2 नए मामले सामने आए, जबकि असम में पहली मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटों में कोरोना वायरस के 547 नए मामले आए हैं और 30 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 6,761 हो गई है। इसमें 6,245 सक्रिय हैं, 516 स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 206 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इस बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की है। तेलंगाना, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है और केंद्र सरकार अब इस दिशा में विचार कर रही है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग करने वाले राज्यों में उत्तराखंड भी है। प्रदेश में 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल 2020 तक कोरोना वायरस के कुल 35 मामले सामने आए हैं। इसमें एक सप्ताह के भीतर 28 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिसमें से 5 लोगों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीती है। 27 मार्च को पहले ठीक हुए संक्रमित मरीज को घर भेजा गया, जबकि 1 अप्रैल को दूसरे और 6 अप्रैल को 3 और संक्रमित मरीजों को अस्पताल से घर भेजा गया। देहरादून में बुधवार 8 अप्रैल को त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए। त्रिवेंद्र सरकार ने फैसला लिया कि उत्तराखंड में लॉकडाउन बढ़ेगा, इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। एक समय में सबसे कम मामलों के साथ कोरोना वायरस की चपेट से बाहर दिखने वाले उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में अचानक ही कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी। हालात इस कदर खराब हुए कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले में पाए जाने पर उनसे जुड़े करीब 1.5 दर्जन स्थानों को सील कर दिया गया। इनमें सबसे अधिक 18 यानी 58% मामले अकेले देहरादून जिले के हैं, जिसकी वजह से अब शासन ने देहरादून को हॉटस्पॉट मान लिया है। हॉटस्पॉट वो इलाका है जहां 5 या उससे ज्यादा कोविड-19 संक्रमण मरीज हों या फिर उससे उस पंचायत और वार्ड में सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों की संख्या 100 या 100 से ज्यादा हो। जिले में अभी तक कारगी ग्रांट और भगत सिंह कॉलोनी सहित 5 आवासीय कॉलोनियों और बस्तियों को पूरी तरह से सील कर दिया है। हरिद्वार जिले के रुड़की में पनियावाला गाँव को सील किया गया है, जबकि कलियर और मंगलौर के कुछ घर भी निगरानी पर रखे गए हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 इलाकों के साथ अल्मोड़ा के रानीखेत में भी 3 मोहल्ले सील किए गए हैं। वहीं उधमसिंह नगर में गुज्जरखत्ता गांव भी सील हुआ है। इन सभी मोहल्लों में कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। सील किए गए इलाकों की निगरानी और भी तेज कर दी गई है। कई जगह निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है। आदेशानुसार इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मी ही इन इलाकों में जा सकेंगे। साथ ही जरूरी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के अलावा यहाँ किसी की एंट्री नहीं होगी। क्षेत्र चिन्हित हो जाने के बाद अब प्रशासन इन मोहल्लों की रैपिड स्क्रीनिंग कराने जा रहा है। इसके लिए टीमों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर टीम में एक शिक्षक, एक पुलिसकर्मी, एक नर्स और एक आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया जा रहा है। ये टीम नियमित तौर पर इन मोहल्लों में घर घर जाएगी और फैमिली रिपोर्ट की तैयारी करेगी। 15 मार्च को उत्तराखंड में कोरोना का पहला केस मिला था। इसके बाद 31 मार्च तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो चुकी थी, जिसमें देहरादून में भर्ती एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। लेकिन पिछले एक हफ्ते यानी 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ और इस एक हफ्ते में कुल 28 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 हो गई, जिसमें देहरादून से 18, नैनीताल से 8, उधमसिंह नगर से 4, हरिद्वार से 3 तो पौड़ी और अल्मोड़ा से 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने तबलीगी जमातियों को कोरोना के केस बढ़ने की असली वजह बताया। दरअसल 31 मार्च को पूरे देश में उस समय दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज में हुए एक आयोजन में 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से हजारों लोग एकत्रित हुए थे। इनमें काफी लोग गए और कुछ रुक गए। 31 मार्च को मरकज से 1548 लोगों को निकाला गया। इनमें से कोरोना टेस्ट किए गए जिसमें 24 लोग संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 441 लोगों में कुछ लक्षण भी पाए गए जिन्हें अस्पताल भेजा गया। कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोकने के अथक प्रयासों पर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम ने पानी फेरने जैसा काम किया। उसकी वजह से अब देश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इसमें अधिकांश लोग वो लोग हैं जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। स्टेज 3 पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड के पुलिस मुखिया अनिल रतूड़ी द्वारा 5 अप्रैल को तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद हाल में ही राज्य में आए लोगों से 24 घंटे के भीतर प्रशासन और पुलिस के सामने प्रस्तुत होने पर अगर नहीं होते तो कड़ी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने की चेतावनी दी गई। कोरोना वायरस संक्रमण पर उत्तराखंड पुलिस की चेतावनी के बाद मंगलवार तक प्रदेश भर में तबलीगी जमातों से जुड़े 180 लोग सामने आए, जबकि जानबूझकर अपनी जानकारी छुपाने वाले 5 जमातियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित जमातियों की संख्या बढ़ने के कारण कोरोना वायरस COVID-19 को नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की संतुति केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। लैब टेक्नीशियन के पदों की भर्ती की नियमावली सेवा को मंजूरी दी गई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून में 400 आइसोलेशन बेड 12 ICU की व्यवस्था की गई। खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आर्मी हॉस्पिटल देहरादून में 200 बेड की व्यवस्था की गई। आर्मी हॉस्पिटल रुड़की से 100 बेड की बात हुई। पिथौरागढ़ और रानीखेत आर्मी हॉस्पिटल से 50-50 बेड की बात हुई। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में 30,000 से ज्यादा N93 मास्क हैं। वहीं कल जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया से भी कुछ जानकारी साझा की गई, जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड में अभी तक कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 के कुल 35 केस हैं। इनमें से 28 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में इसे हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आज की तारीख में प्रदेश में 837 आइसोलेशन बेड हैं, 1833 बेड कोरोना संदिग्धों के लिए हैं, 473 ICU, 257 वेंटिलेटर, 8695 PPE किट, 30,375 N95 मास्क, 5,902 VTM किट सुविधा मौजूद है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध है। उपरोक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग विभिन्न 347 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। कोरोना संबंधित हॉस्पिटल में टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। अब ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल उत्तराखंड में 35 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5 ठीक हो चुके हैं और 30 मामले अभी एक्टिव हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 2 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आज 10 अप्रैल को 101 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रदेश में अभी तक 1688 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 1320 नेगेटिव और 35 पॉजिटिव आए हैं, जबकि 333 सैंपलों की रिपोर्ट आने का भी इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेंगे, साथ ही लॉकडाउन हटाने संबंधी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि स्टेज 3 क्या है, जिसे लेकर भारत सरकार चिंतित है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। पिछले 2 सप्ताह में जितनी बार भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस वार्ता की है, उसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि भारत में अभी तीसरा चरण नहीं आया है। माना जा रहा है कि तीसरे चरण में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि भारत के पास जितने लैब हैं उनमें सभी लोगों के टेस्ट पूरे नहीं किए जा सकते। फिलहाल भारत सरकार के अनुसार देश में 70 से ज्यादा टेस्टिंग यूनिट हैं जो ICMR के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से करीब 10 लाख किट और मांगी है।
ICMR ने यह भी दावा किया है कि भारत में दो ऐसे लैब तैयार होंगे जहां 1400 टेस्ट रोज हो सकेंगे। इससे 3 घंटे के भीतर COVID-19 की जांच की जा सकेगी। इसी तरह की कुछ अन्य मशीनें भी भारत सरकार ने विदेश से मंगवाई हैं। अमेरिका और जापान के पास इस तरह की मशीनें हैं जिनसे 1 घंटे में COVID-19 की जांच की जा सकती है। BBC से बातचीत में ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज मुरहेरकर के मानने के अनुसार भारत में कम्युनिस्ट ट्रांसमिशन जरूर आएगा, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने प्रयासों से इसमें देरी जरूर की जा सकती है, लेकिन ये कब आएगा इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए आपको सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, हमारे द्वारा ये समझाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहिए, कोई ज़रूरी काम के लिए, अति आवश्यक काम के लिए ही अपने घर से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना अभी हमारा देश कर रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए सरकार को हमारा, आम जनता का, सभी का सपोर्ट चाहिए। इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइन का बखूबी अमल करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।